नमस्कार दोस्तों, इस नेचुरल विकी गैजेट चैनल में आपका स्वागत है। मैंने इस वीडियो में एक्समेट शॉट प्रो एक्शन कैमरा का कैसे यूज किया जाता है आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। यही दोस्तों हमारा एक्समेट शॉट प्रो का एक्शन कैमरा या ब्लॉगिंग कैमरा है दोस्तों। वीडियो में देखते हैं कैसे यूज करते हैं। चलिए ओपन कर देते हैं इसी बॉक्स को जो ब्लॉगिंग करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए खोलते हैं। ऐसे खोला जाता है, इसको ऐसे ला जाता है। इसके बाद ऐसे करने के बाद ये देखिए दोस्तों हमको मिल गया ये छोटा सा एक्शन कैमरा है दोस्तों, ब्लॉगिंग कैमरा। जो इसके साथ आप 4K वीडियो भी शूट कर सकते हैं, तो अल्ट्रा HD का है दोस्तों। यहाँ वाईफाई भी है दोस्तों, 16 मेगापिक्सल का फोटो खींच सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के लिए ये पावर बटन को दबाना पड़ता है दोस्तों। देखिए मैंने दबाता हूँ, अभी ऑन हो गया दोस्तों, देख सकते हैं। ऑन होते ही वीडियो मोड में आ जाता है दोस्तों। ये हमारा पावर बटन बैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसको ऑन करते हैं हमको तो वीडियो मोड मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसके साथ फोटो खींचना चाहते हैं तो इसको ही दबा दीजिए दोस्तों। इसको ही दबाने के बाद आपको फोटो मोड आ जाता है। देखते पावर मोड को दबाते ही देख सकते फोटो मोड आ गया। अभी और भी दबाता है तो ये बर्स्ट मोड आ गया दोस्तों। अगर और भी पावर मोड को दबाते टाइम लैप्स आ गया दोस्तों, और दबाता हो तो यहाँ सेटिंग ऑप्शन आता है दोस्तों। इस सेटिंग और भी पावर बटन दबाता हूँ तो और फिर से वीडियो मोड में आ जाता है। वीडियो मोड में आने के बाद अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हैं तो इस सेलेक्ट बटन को दबा दीजिए दोस्तों। चलिए मैंने बटन को दबा के देखूँगा। ये हमारा सेलेक्ट बटन है ऊपर से, ये दे तो इसको दबा दे। देखिए अब वीडियो हो रहा है दोस्तों। वीडियो को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप और भी सेलेक्ट बटन को दबा दीजिए। दबा दिया हूँ, अभी वीडियो ऑफ हो गया। वो वीडियो को देखने के लिए आपको इसी साइड से ऊपर नीचे के लिए जो दिया हुआ है ना, ऊपर का बटन को दबाना दोस्तों। देखिए ऊपर बटन दबाते ही हमको ये सब मिल गया दोस्तों। इसको मिलने के बाद अगर आपको वीडियो दिखना है तो वीडियो में सेलेक्ट कर दीजिए ऊपर बटन दबाकर। अगर आपको फोटो दिखना है तो इसी साइड से ऊपर नीचे के लिए जो दिया हुआ है ना, वहाँ ऊपर का बटन को दबाना दोस्तों। देखिए ऊपर बटन दबाते ही हमको ये सब मिल गया दोस्तों। इसको मिलने के बाद अगर आपको बटन दबा दीजिए। फिलहाल मैंने फोटो नहीं खींचा हूँ, मैंने वीडियो थोड़ा शूटिंग कर रहा था। वो अभी मैंने जो शूट करा था वो दिखने के लिए वीडियो में जाते हैं और सेलेक्ट बटन को दबाता हूँ दोस्तों। देखिए ये हमारा वीडियो जो शूट हुआ था वो आ गया दोस्तों। उसको प्ले करने के लिए भी ये सेलेक्ट बटन का ही दबाना पड़ता है दोस्तों। देखिए ऐसे होता है दोस्तों। और बैक वो वीडियो स्क्रीन पे दिखा रहा है दोस्तों। इसको बैक करने के लिए जो पावर बटन था वो पावर बटन को दबाता हूँ दोस्तों। देखिए पावर बटन को दबा रहा हूँ। पावर बटन को दबाने बाद बैक हो गया दोस्तों। देखिए बैक होते जा रहा है, ऐसे बैक होता है दोस्तों। देखिए बैक होने के बाद अगर अपने सेटिंग पे जाकर जो कुछ भी करना है पावर बटन को दबा दीजिए दोस्तों। पावर बटन को दबाते चले तो देखिए पावर बटन को दबा चलने के बाद अभी सेटिंग आ गया। अभी इसको दबा कर से ओके कर देंगे। देखिए यहाँ दिखा रहा है
वीडियो रिजोल्यूशन, लॉपिंग वीडियो, टाइम स्टाम्प, एक्सपोजर, ये सब सेटिंग यहाँ मिलता है दोस्तों। फोटो रेजोल्यूशन, बरस्ट फोटो, टाइम लैप्स, कॉन्टीन्यूस लैप्स, पावर फ्रीक्वेंसी, लैंग्वेज, डेट एंड टाइम, साउंड इंडिकेटर और अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन दबाने बाद ये सेटिंग हमारा उल्टा हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। अपसाइड डाउन दबाने के बाद देखिए, अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो ये देखिए उल्टा हो गया दोस्तों, अगर मैं नहीं ऑफ कर देता हूँ तो देख सकते हैं। और यहाँ नीचे नीचे दबा तो स्क्रीन सेवर, पावर सेवर, टीवी आउट, फॉर्मेट के लिए भी दिया हुआ दोस्तों, रिसेट के लिए भी दिया हुआ, और किसी का वर्सन चेक करने के लिए भी हमको ऑप्शन मिलता है दोस्तों। अब हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बैक जाने के लिए पावर बटन दबाते जाएंगे। देखिए पहले ऑप्शन पे आ गए दोस्तों हम, वीडियो रिजोल्यूशन पे। पूरा बैक करने के लिए यहाँ जाना पड़ता है दोस्तों, इंटू चिन्ह जो दिया हुआ है, वो इंटू चिन्ह दिया, वहाँ जाने के लिए हम ये ऑफसाइड बटन दबाना है दोस्तों। ऑफसाइड बटन दबाने के बाद देखिए यहाँ आ गया दोस्तों। अब यहाँ आने के बाद ये सेलेक्ट बटन का दबाते ही हम फिर से वीडियो मोड पे आ जाते हैं दोस्तों। देखिए वीडियो मोड पे आ गए। इस तरीके से आप हमारा एसडी कार्ड लगाने के लिए दोस्तों, और यह हमारा दो यूएसबी पोर्ट दिया हुआ दोस्तों यहाँ। इसके अलावा और अगर रिमोट के साथ ही इसको यूज करना चाहता है तो यही दोस्तों हमारा रिमोट है दोस्तों, देख सकते हैं। ये रेड रेड जो दिया हुआ है ये फोटो खींचने के लिए दोस्तों, और जो वाइट दिया हुआ दोस्तों ये हमारा वीडियो शूट करने के लिए दोस्तों। अगर मैंने यह भी वीडियो मोड में दोस्तों, अगर मैंने वीडियो यह भी वीडियो मोड में दोस्तों, अगर मैंने वीडियो शूट करना चाहता हूँ तो देखिए इसी वाइट बटन को दबाता हूँ तो वीडियो शूट होता है दोस्तों, देख सकते हैं। ये देखिए वीडियो शूट होना चालू हो गया दोस्तों। और एक बार मैंने इसको दबाता हूँ तो ये अप हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं। अगर मैंने फोटो खींचना चाहता हूँ तो ये रेड को दबाना है दोस्तों, देख सकते हैं। ये देखिए फोटो खींच रहा है दोस्तों अभी, और अभी दबा और एक बार दबाता हो तो देखिए वीडियो मोड लाना है तो वीडियो मोड में लाना है तो और ये वाइट को दबाना है दोस्तों। ये देखिए वीडियो मोड में आ गए और वीडियो शूट भी हो रहा है दोस्तों। इस तरीके से आप रिमोट से भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी पर आते हैं उसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।